चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग एंड सेकंड वन इज ऑपरेशन कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होगा? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर्स पर जो कि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे मैं अपनी एक ड्रेस लेकर टेलर के पास गई, मैंने उसे अपना स्पेसिफाई किया कि मुझे किस तरीके की ड्रेस बनवानी है, तो वो मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनी, तो वो क्या हो गया? स्पेसिफिक। उसके लिए जो कॉस्टिंग की टेक्निक यूज होगी वो क्या होगी? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। मतलब कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जाए तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और उसके लिए जो कॉस्टिंग की टेक्निक डेवलप की जाएंगी वो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग को हम सब डिवाइड कर देते हैं जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग क्या होगा फ्रेंड? जॉब्स क्या होता है? जॉब्स किसी की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म की जाती है। हर कस्टमर का अपना अलग स्पेशलिटीज, डिज़ाइन, क्वालिटी और स्पेंडिंग पावर होती है, तो एक जॉब दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी जॉब हैज़ इट्स ऑन यूनिक फीचर्स। जॉब्स को हम थोड़ी ही ड्यूरेशन में अपने फैक्ट्री प्रीमिसेस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अंडर जॉब कॉस्टिंग वर्क स्टार्ट ओनली आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टेलरिंग ऑफ ड्रेस, इंटीरियर डेकोरेटर, फर्नीचर मेकिंग, रिपेयर वर्क एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करेंगे बैच कॉस्टिंग की। बैच क्या होगा? अब बैच में रेफर टू अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास थ्रू द फैक्ट्री इन अ बैच। क्लियर हुआ? द कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। हर बैच की हम अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वन बैच को हम क्या मानकर चलेंगे? एक कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए पूरी की पूरी कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ द बैच को, जितनी हमने यूनिट प्रोड्यूस करी है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब पूरे बैच को बनाने में कितना खर्चा आया और उस बैच में कितने यूनिट्स हैं उसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? पर यूनिट कॉस्ट। अब आगे बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का बड़ा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग को हमने क्या किया? बहुत ही थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? जहाँ पर किसी काम में बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो और टास्क को कंप्लीट होने में एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर लग जाए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया परफॉर्म होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग से कॉस्ट को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का? रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, वाटर वर्क, डैम्स एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये था हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। आगे बात करते हैं हम ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉन्टिन्यूस ऑर्डर कॉस्टिंग, कंटिन्यूस चलने वाली टास्क। देखिए कहाँ यूज होगी कॉन्टिन्यूस ऑर्डर कॉस्टिंग या ऑपरेशन कॉस्टिंग? When goods are produced on mass scale मतलब बहुत बड़े scale पर, and of standardized nature, without waiting for the order of the customer, कि हम wait नहीं कर रहे कि customer का order आएगा तब हम काम करना शुरू करेंगे। पूरे साल continuously production चलती रहती है और हम एक साथ बहुत सारी production करते जाते हैं, और जो हम गुड्स बना बना कर रखते हैं वो हम अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं। जनरली एक ही तरह की गुड्स बनती हैं, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो गई, पेटेंट शुगर हो गया, तो ये पेंट फैक्ट्री हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्टिन्यूस ऑर्डर कॉस्टिंग। एक तरह का पेंट बन रहा है, सीमेंट बनता जा रहा है, खाद बनती जा रही है। अब बात करते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। We divide operation costing in three parts: process costing system, unit costing system and operating costing system. बात करते हैं process costing system की।
जब रॉ मटेरियल एक से ज्यादा प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, एक से ज्यादा प्रोसेसेस डिपार्टमेंट स्टेजेस से होकर गुजरेगा, तब वो किस चीज में कन्वर्ट होगा? फिनिश गुड में। तो वहां पर जो हम कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए मेथड यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। आई अगेन रिपीट, एंड द रॉ मटेरियल पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस डिपार्टमेंट्स और स्टेजेस बिफोर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड, देन दिस इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता ही जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में जो फर्स्ट प्रोसेस का फाइनल आइटम होगा, फाइनल गुड होगा, वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल। सेकंड का आउटपुट थर्ड के लिए, फिनिश के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल। तो एक का आउटपुट सेकंड के लिए रॉ मटेरियल बनेगा। आगे बात करते हैं हम यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग सिस्टम। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्लाइड वेयर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, जहां एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर आउटपुट होगी वो कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के तहत होगी। कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे जितने यूनिट हमने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, माइंस हो गया, फ्लोर मिल्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम। व्हेन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इज कैलकुलेटेड, देन द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसी चीज को ऑपरेट करने में कितना खर्चा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे कि लाइक पैसेंजर पर किलोमीटर हम कितना चार्ज कर रहे हैं, पल्स रेट पर मिनट, किलोवाट आवर्स, पेशेंट पर बेड एटसेट्रा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? अपना ऑपरेशन कॉस्टिंग निकाल लेंगे। अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्टैंडिंग कॉस्ट एंड रनिंग कॉस्ट। स्टैंडिंग जो कोई है, यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, वो हो जाएगी स्टैंडिंग। रनिंग अगर हम यूज करते हैं तो कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। जैसे हम बस की बात करते हैं, हम बस चलाते हैं, मान लो बस हमारा ट्रैवलिंग का बिजनेस है, हमने बस परचेज करी, वो हमारे सेंडिंग हो गया, एक बार परचेज कर ली। उसके बाद बस खड़ी है, जहां वो खड़ी है वहां की हम रेंट पे कर रहे हैं, उसका खर्चा हमारा हो गया सेंडिंग। रनिंग क्या होगा? कितने किलोमीटर जा रही है, कितना डीजल हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कितनी मेंटेनेंस हो रही है, वो सारे एक्सपेंडिचर कौन से हो जाएंगे? हमारे रनिंग एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच।